हाँ दादा कुछ बताइए। आपका शुभ नाम दादा? शंभु श्रेष्ठा। शंभु श्रेष्ठा, यहाँ पर देखिए एक बार मुस्कुराइए। कहिए कहिए। चले चले, सॉरी सॉरी, आपके मैं गाड़ी चला मैं डिस्टर्ब करके आपका कितना दिन हो गया यहाँ पर? मेरा यहाँ 36 years। 36 years, अच्छा। मेरा जन्म यही हुआ। ओके, प्रोफेशन शुरू में क्या क्या कर रहे थे? मैं तो पहले से छोड़ने के बाद तो मैंने काम किया, अच्छा जॉब कर रहे थे वो अरे यार कहते हैं ना, अरे फाइनेंस विनेंस टाइप का किया था, पर okay, उसमें okay. खटनी बहुत ज्यादा। फिर सेल्स का किया है, एसएन का शॉप का है ना। मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, मैं तो भाई बीटेक इलेक्ट्रिकल किया, लेकिन अल्टीमेटली मुझे वो सारा चीज छोड़ना पड़ा। इंडस्ट्री में जाके काम करो, किस हालत में काम करो, फिर छोड़ दिया। एक बंदे को मैं बोलूँगा कि अगर मान लो कि 20 साल पढ़ाई करता है, तो उसको 20 साल पढ़ाई की जगह बस 20 साल के लिए उसको मेहनत करने के लिए सिखा दो कि बेटा 1 रुपये का 2 रुपये कैसे करना है, सीख जा, पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हो गया काम। तो लास्ट में देखा मेरे को यही काम हल्का लगा, समझे ना, हल्का, आय बेसी है, खराब नहीं है। मुझे ट्रैवलिंग अच्छा लगता है। मैं वहाँ पर गया था नॉर्थ ईस्ट में लास्ट टाइम, वहाँ पर भी एक दादा मिले थे असमी, मतलब वो उनका बंगाली ओरिजिन है लेकिन बोलते हैं असमी, तो मिक्स्ड कंटेंट, मतलब उनका जो बोलती बंगाली लैंग्वेज थोड़ा सूदिंग होता है ना, स्वीट स्वीट लगता है। और कोई असमीज आदमी अगर, मतलब बंगाली आदमी अगर असम में एस्टेब्लिश कर जाता है, उसका लैंग्वेज और सूदिंग हो जाता है। असमी लोग बहुत इमोशनल होते हैं। 3-4 दिन गाड़ी में बिठा के घुमाया जहाँ जहाँ पर गए, हाँ काफ़ी कुछ बोल रहा था वो। एक चीज़ हो जाता है कि ड्राइवर लोग, मतलब जो आपको लेके जाते हैं कहीं पे, और ये जो करते हैं ना सैलून में बाल कटवाते हैं, वो कभी चुपचाप नहीं बैठेंगे, नहीं। और चुपचाप बैठेंगे तो बोर हो जाते हैं, बोर हो जाते। तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। हमारे साथ हम तीन लोग ट्रैवल कर रहे थे, और मुझे थोड़ा कचर पचर करना अच्छा लगता है कि नए लोग बातें करो ना, फिर कब मिलोगे नहीं मिलोगे। और 150 करोड़ लोग हैं, सबसे तो मिल नहीं पाओगे, जिसे मिल रहे थोड़ा बात कर लो, क्या दिक्कत है। मुझे भी बात करना बहुत पसंद है। मेरे पीछे बैठे रहना एकदम बेकार है। मेरे पीछे वो दोनों रह के मेरा ले रहे थे कि देखो यार कितना ये कर रहा है। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि मान लो 4-5 घंटे का जर्नी है, तो आधा एक घंटे के बाद फिर लोग सो जाते हैं। अक्सर मेरा गाड़ी में जो बैठता सो ही जाता है। हाँ, लोग यही प्रीफर करते हैं कि यार मैं तो थका हुआ हूँ, मैं तो थकान में हूँ, मैं तो बहुत हैवी ड्यूटी करता हूँ, मैं तो बिजी हूँ, अभी मैं सो जाऊँगा। लेकिन मुझे बस ऐसा लगता है कि मान लो कि कोई जगह तुम जा रहे हो, कोई आदमी से मिल रहे हो, उससे थोड़ा बात करो, बहुत सारी चीज़ें पता चलेगा। बहुत अच्छा है, मुझे भी बात करना बहुत पसंद है। लास्ट टाइम एक टैक्सी में जा रहे थे, वो हावड़ा से पीछे, वो जगह थोड़ा सा कॉन्जेस्टेड है। हाँ, एक बुढ़ा आदमी लाइन पार कर रहे थे तो कर नहीं पा रहे थे, उसी टाइम हमारा गाड़ी पीछे आ गया, गाली देने लगा साला, घुस के इसको भी गुस्सा आ गया, मैं मर रहा हूँ, मेरा गाड़ी कब मिलेगा। मेरा गाड़ी उस दिन छूट गया वैसे। अच्छा। वो गाड़ी रोके, क्या बोला बे। वो फिर बुढ़ा थोड़ा डर गया, बोला नहीं मैं कुछ नहीं बोला। फिर जैसे ही गाड़ी निकल आए फिर बोला साला पागल साला मेरे को। कल एक अंकल मिले थे, पूछे बेला में, बेला में पूछे, इंग्लिश में बात हुआ क्योंकि उनको हिंदी पता नहीं था और मुझे बंगाली पता नहीं था। ही आस्क्ड मी कि हाउ डू यू फाइंड द सिटी, सॉरी डिड यू लाइक कोलकाता? एब्सोल्युटली आई लाइक कोलकाता, आई लाइक बंगाली पीपल, दैट्स व्हाई आई मैरिड अ बंगाली गर्ल। He was asking, what did you like in Kolkata? Buzurg hai? Buzurg. मेरा कोलकाता का पहला जो एक्सपीरियंस रहा, एक न्यूज़पेपर लेके आया था, तो एक उसमें एक एड्रेस था, तो उनको मदद करने के वास्ते, मैं उस टाइम जॉब कर रहा था एक एनजीओ में,
एड्रेस ढूंढ रहा था, एक एसटीडी में जाके पूछा कि मुझे थोड़ा सा हेल्प चाहिए, ये एड्रेस कहाँ पर मिल पाएगा मुझे बता दीजिए। पास में एक चाय वाला था, मैं जैसे ही वो एसटीडी से निकला, चाय वाला मेरे पास दौड़ के आया, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ मोहन चक्रवर्ती शायद, बोले कि आप एक कप चाय पी लो। मैं तो चाय पीता नहीं हूँ। नहीं नहीं आप एक कप चाय पी लो, सुबह से आप कुछ खाए हो? मैं बोला नहीं खाया नहीं हूँ, खाऊंगा थोड़ी देर बाद, बताइए। नहीं 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 आप एक कप चाय और दो बिस्किट यहाँ से खा के जाओ, आपको इतना करना पड़ेगा। क्यों भाई? नहीं नहीं आप, हमें पता चला कि आप कोई एड्रेस ढूंढ रहे हो, किसी को मदद करना चाहते हो। फिर वो इतना प्यार से बुला रहे थे, फिर मैं चाय और बिस्किट खा लिया। उनको फिर बोला कि कितना पैसा हुआ? वो पैसा नहीं लिया। फिर उनका नाम पूछा, बोला कि मोहन चक्रवर्ती। आप विधिन चक्रवर्ती का भाई तो नहीं है? बोले नहीं नहीं वो किस्मत कहाँ, ये कहाँ पे? लेकिन वो हंसखाली कोई जगह है कोलकाता के आसपास में, 234C या D ऐसा कोई बस जाता था वहाँ पर, धर्मतला से मैं पकड़ा था। तो बस वही, मैं अभी उनको ट्रैक एड्रेस नहीं कर पाऊंगा, उनका नंबर नहीं है, और 10 साल पहले मिला था, मोबाइल में ही थोड़ा सा बात हुआ, नंबर सेव किया था, मोबाइल गुम हो गया, नंबर भी गुम हो गया। बस अभी उस आदमी के बारे में सोचता हूँ तो फिर सोचता हूँ कि कोलकाता में कहीं मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली वो आदमी का इंप्रेशन चला गया सिटी के ऊपर कि चलो शहर के लोग अच्छे हैं। वैसा आदमी मिलना मुश्किल ही है। ठीक है, नहीं आई फाइंड बंगाली पीपल आर इमोशनल एंड केयरिंग एंड व्हेरेवर यू गो। थोड़ा सा पूछेंगे भाई थोड़ा खा लो, कोशिश करेंगे आपको लंच तक रोक के रखेंगे, फिर लंच खिला के बंगाली लोग होता है ये चीज। मैं अपने ससुराल में अब तक जमाई षष्ठी में जा नहीं पाया हूँ, लेकिन वो हमेशा बोलते हैं तो वाइफ बंगाली। मैं बोल तो रहा हूँ किसी से बंगाली, आई एम हाफ बंगाली। बस एक बार जाना है, वो एक चीज मिस हुआ है। जमाई षष्ठी में जाइए, बहुत मजा आएगा। हाँ जमाई मैं एक्चुअली नॉनवेज भी खाता नहीं हूँ, बस सोचता हूँ कि साल में एक बार खाऊंगा जमाई षष्ठी में ससुराल में, तो उस चीज का वैल्यू रहेगा और उन लोगों को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं सोच रहा हूँ ऐसा, मैडम को पूछ रहा था, क्योंकि मेरा ऐसा कोई रिलीजियस बायसनेस नहीं है कि नहीं इसलिए खाना है इसलिए नहीं खाना है। और कुछ रिश्तेदार बोलते हैं कि अरे भाई बंगाली दामाद हो, मछली नहीं खाओगे तो कैसा दामाद हो। मछली सुबह होता है उन लोग के लिए। कल वो मासी से मिल रहा था, बोले कि मछली नहीं होगा तो मैं तो राइस नहीं खा पाऊंगा, बिना मछली का क्या खाना है, नहीं खाना है। चलो इसको इधर बंद करते हैं, 8 मिनट हो गया।